स्वास्थ्य संस्थानों में कायाकल्प को महज स्वच्छता के तौर पर नहीं बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हालांकि स्वच्छता कायाकल्प का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और स्वस्थ जीवन के लिए समूचा परिवेश साफ सुथरा होना चाहिए। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज सोमवार को शिमला के समीप परिमहल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कायाकल्प पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। शिमला के समीप परिमहल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कायाकल्प पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर विपिन परमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है, फिर भी कहीं न कहीं कमी स्वाभाविक है और कमियों को दूर करने के भरपूर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं को धरातल तक उतारने के लिए विभागीय अधिकारियों, चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ सभी को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाए। वर्ष 2015 में ये भारत सरकार के द्वारा कायाकल्प ऐसा करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और आज मुझे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस पुरस्कार वितरण समारोह में आने का मौका मिला और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यतः स्वच्छता की ओर हम कैसे प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य संस्थान स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियाँ या वहाँ पर अन्य रोगों से हम वंचित रहेंगे। इसलिए अलग अलग अस्पतालों के जो CMOs हैं, MS हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया गया है। और ये कायाकल्प का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्रालय स्वच्छ बने, सुंदर बने, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुल मिलाकर के उस अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ व्यवस्थित हों, इसके लिए ये यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेष सचिव व निदेशक पंकज राय ने स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान समारोह प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को कायाकल्प पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं द्वितीय पुरस्कार नागरिक अस्पताल पालमपुर व तृतीय पुरस्कार नागरिक अस्पताल नूरपुर को प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले अस्पतालों को बधाई दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।